पिछले कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद जब एनसीबी ने अपनी चार्जशीट बनाई तो उसमें रिहा चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया। एनसीबी ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है, लेकिन रिहा चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे को ये लगता है कि ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती को फंसाने की साजिशें चल रही है, रिया चक्रवर्ती को जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है कि इस मामले में भी जीत हमारी होगी, जैसा कि पिछली बार वाले केस में हुआ था, इसमें भी हमारी जीत होगी, यानी सत्य की जीत होने वाली है। तो रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा है उसे आप सुन लीजिए। 12,000 पेज की चार्जशीट की उम्मीद थी। एनसीबी के सभी प्रयास रिया चक्रवर्ती की ओर है कि किस तरह उन्हें फंसाया जाए। 33 आरोपियों से जो नारकोटिक सब्सटेंसेस बरामद हुआ है वह उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जितना मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल या नारकोटिक सेल या एयरपोर्ट कस्टम एक रेड या ट्रैप में रिकवर कर लेते हैं। ऊपर से नीचे तक पूरी एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को उजागर करने में लगी हुई है। जांच के दौरान जिन लोगों की परेड कराई गई उनके खिलाफ बमुश्किल ही कोई सबूत मिला है। मैं हैरत में हूँ कि आखिर क्यों, या तो आरोप गलत है या फिर भगवान ही सच जानता है। यह चार्जशीट एक फुस्सी बम है जो बेवजह के साक्ष्यों को और सुप्रीम कोर्ट के तूफान सिंह जजमेंट के बाद भी एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत लिए गए बयान की नींव पर खड़ी है। रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाए बगैर इस केस में कोई सार नहीं है। जमानत के दौरान हाईकोर्ट को कथित ड्रग्स ट्रेड्स को फाइनेंस करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं मिली है। आखिर में जीत हमारी होगी, सत्यमेव जयते। अब देखिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं वो तो सीधी सी बात है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें पैसे मिले हैं, वो रिया चक्रवर्ती से पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो कोशिश तो उनकी वही होगी कि रिया चक्रवर्ती इस केस को जीत जाए और उन्हें सती सावित्री साबित करने की पूरी कोशिश की जाए। यानी इस वक्त सतीश माने शिंदे के हिसाब से रिया चक्रवर्ती इंसाफ की एक देवी है जिन्हें बेवजह फंसाने की साजिशें चल रही है। देखिए एनसीबी ने रिया का नाम ऐसे ही नहीं लिया है मुख्य आरोपी के तौर पर, क्योंकि रिया के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को लेने का भी काम करती थी, यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग्स को खरीदने और बेचने का भी आरोप लगा है, और पैसे कहाँ से जुगाड़ करने हैं उसकी भी जांच चल रही है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। देखिए ये जो आरोप लगा है उसमें 50,000 पेज के तो सिर्फ डिजिटल सबूत हैं। अब इतने सारे सबूत होने के बाद भी सतीश माने शिंदे ये कहें कि रिया चक्रवर्ती को फंसाना फुसकी बम साबित होगा, तो ये सतीश माने शिंदे की बहुत बड़ी भूल होगी, या तो फिर सतीश माने शिंदे को हमारे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था पैसे वाले लोगों को और ज्यादा जिनका नाम होता है उनको फंसा ही नहीं सकती है, वो किसी न किसी छोर पर आकर छूट ही जाते हैं। आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती के वकील जो बोल रहे हैं वो सही साबित होगा या फिर रिया चक्रवर्ती इसमें मुश्किल में फंस सकती है? आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।